स्टूडेंट्स आई एम योअर केमिस्ट्री टीचर संगीता राय ये हमने जूम क्लास में डिस्कस कर लिया था आपका एलेवेंथ का कोर्स है फर्स्ट एट चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के फिर उसके बाद तीन चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और लास्ट के थ्री चैप्टर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिर नोटबुक के फर्स्ट पेज पर आप ये नोट करेंगे ना डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री हम पढ़ कर आए हैं केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस साइंस की एक ब्रांच है इन विच वी स्टडी द कंपोजिशन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इसलिए इसको हम क्या कहते है? okay? हैं इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ओके दैन ये डिफरेंट फाइव मेन ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की और ये एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री आपको अपने फेयर नोटबुक में तीनों लिखना है एक जनरल है जूम क्लास में पढ़ा पढ़ा चुकी हूँ इसलिए मैं इसको फिर से एक्सप्लेन नहीं कर रही ओके okay? अब हम आते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पर मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन तो हमने पढ़ा है सॉलिड लिक्विड गैस वाला ओके केमिकली इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर और वी कैन से इम्प्योर सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस को फर्दर डिवाइड किया दो पार्ट में एलिमेंट एंड कंपाउंड ठीक है एलिमेंट को आगे फिर से डिवाइड किया मेटल नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड में ठीक है एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होगी हम बोल सकते हैं एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंस विच आर मेडअप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स एक ही तरह के एटम से बने हुए होते हैं कौन एलिमेंट्स जो कि प्योर सब्सटेंस हैं अब मेटल नॉन मेटल की डेफिनेशन आपने टेंथ में पढ़ी है मेटेलॉइड क्या है मेटेलॉइड क्या है एलिमेंट का एक पार्ट है इसलिए हम बोलेंगे मेटेलॉइड्स आर दोज एलिमेंट्स विच कैन शो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल बोथ ऐसे एलिमेंट्स जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं उसको हम बोलते हैं मैटेलॉइड ओके देन इम्प्योर सब्सटेंस क्या है मिक्सर है जब दो हम दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा मिक्सर ओके okay? इसको मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में बता रही हूँ आपको एलिमेंट्स द सिमिलर सिंपलेस्ट केमिकल सब्सटेंस है ना सिंपलेस्ट केमिकल सब्सटेंस इज ऐटम ओके इन विच द ऐटम्स आर एग्जैक्टली द सेम एक जैसे ऐटम से बने हुए होते हैं एलिमेंट्स फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन हाइड्रोजन कार्बन सल्फर इन सबके सिम्बल लिखे हैं मैंने ओके नाउ कंपाउंड्स क्या है कंपाउंड्स आर केमिकल सब्सटेंस और वी कैन से कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंस मफ टू और मोर एलिमेंट दो या उससे ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बने हैं तो उनको हम बोलेंगे कंपाउंड है ना और ये जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से ये आपस में केमिकल बॉन्ड से अटैच होते हैं एक फिक्स्ड रेशियो में फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड किससे मिलकर बना है कार्बन और ऑक्सीजन दो डिफरेंट एलिमेंट से इन वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कंबाइंड टुगेदर

दो बार इसके डेफिनेशन प्रिंट हो गई है एक ही बार लिखना है आपको फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट एंड वाटर सॉइल इन वाटर एक्सेट्रा ओके नाउ द डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल पहले भी मैं बता चुकी हूं इसमें एक डेमोस्ट्रेशन दिया था उसमें एटम क्या है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट अभी मैंने बताया था एलिमेंट्स एटम से मिलकर बने होते हैं मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड कंपाउंड का जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा जो फ्रीली एग्जिस्ट करता है उसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूल ओके इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इनडिपेंडेंटली एटम फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता बट इनर्ट गैसेस इसका एक्सेप्शन है इनर्ट गैसेस के एटम एग्जिस्ट करते हैं मॉलिक्यूल रियली एग्जिस्ट कर सकता है ओके इट मे और मे नॉट हैव प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एटम में प्रॉपर्टी मैटर की हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है बट मॉलिक्यूल में हमेशा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर प्रेजेंट होंगे ओके मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड ऑफ कंपोज ऑफ एटम्स, एटम्स आपस में मिलकर क्या करते हैं मॉलिक्यूल बनाते हैं ओके okay?

नोबल गैसेस के जो एटम हैं वो कैसे हैं मोनो ऐटोमिक मॉलीक्यूल है एक ही एटम होता है उसमें बट मॉलिक्यूल के नॉट बी से दैट एटम बट एटम मोलिक्यूल को कभी एटम नहीं कह सकते इनर्ट गैसेस के एटम को मॉलिक्यूल बोल सकते हैं ओके देन एटम्स हैव नो फर्दर काइंड्स एटम के और डिफरेंट टाइप्स नहीं हैं बट मॉलिक्यूल को हम डिवाइड करते हैं होमो हाइड्रो ऐटोमिक मॉलिक्यूल में एटम्स हैव नो बॉन्डिंग एटम में कोई बॉन्ड नहीं होता ओके okay? और मॉलिक्यूल्स में एटम्स बॉन्डेड रहते हैं टूगेदर ओके okay? तो ये डिफरेंस हुआ एटम क्या है मॉलिक्यूल क्या है आपको क्लियर होना चाहिए कि एच लिखा है तो एटम है एच टू लिखा है मीन्स मॉलिक्यूल है दो हाइड्रोजन एटम जुड़ गए आपस में ना अब हम आते हैं आयन्स पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स होते हैं एच हाइड्रोजन का सिंबल लिखा और उसके ऊपर क्या लगा दिया पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या और किसका कम फॉर्मूला हो गया हाइड्रोजन आयन का इन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच कैरीज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोई एटम है उसके ऊपर कुछ चार्ज लगा दिया या ग्रुप ऑफ एटम है तो उसको हम क्या बोलेंगे आयन और पॉजिटिवली चार्ज है तो केटायन नेगेटिवली चार्ज है तो एनायन बोलेंगे ओके इसके साथ मैं आपको पॉजिटिव नेगेटिव आयन्स की लिस्ट भी भेज रही हूँ उसको फेयर कॉपी में लिखकर और लर्न करना है ओके थैंक यू स्टूडेंट्स